हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको पेस्टिंग नेट का कपड़ा, बूटी, रिंग, गोटा फ्लावर, इन सब की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए बेस मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। ये पोशाक मैं 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका डायमीटर मैंने 13 इंच लिया है। और अगर आपके कान्हा जी का साइज़ ज़्यादा या कम है तो आप इस मेज़रमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग डायमीटर देख लें और बेस बनाकर तैयार कर लें। इसमें मैंने बॉडी की लंबाई और चौड़ाई भी लिख दी है, और कमर के लिए कितना निशान लगाना है वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बेस बनाने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं, वैसे वैसे आप करते जाएं, तो आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपसे बेस बनाना नहीं आता है तो बेस बनाने की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को चेक कर लें और बेस बनाना सीख लें। तो अब हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अपने कान्हा जी के साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग कमर का निशान लगाएंगे। 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 1 इंच का निशान लगाते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, एक निशान इधर लगाएंगे और दूसरा निशान इधर लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को गोलाई करते हुए आपस में मिला लेंगे। और इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। यहाँ से ये कटिंग करने के बाद अब हम इस पूरे राउंड को टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक कर लेंगे। ये देखिए, मैंने गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन लिया है। देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर हम इस तरीके से टिश्यू रिबन रखेंगे, आधा नीचे और आधा ऊपर, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इस पूरे राउंड को लॉक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस पूरे राउंड को टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक कर लिया है। अब हम इस पर नेट लगाएंगे। तो नेट लगाने के लिए हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे। ये देखिए, ये 4.5 इंच आ रहा है। हम इस पर 2 फ्री लगाएंगे नेट की। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम ये वाला पोर्शन इसका नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये 4.75 इंच आ रहा है। तो हम 3 इंच चौड़ी और लगभग 90 इंच लंबी एक पट्टी कट कर लेंगे इस पोर्शन के लिए। और फिर हमें ये वाला पोर्शन की पट्टी कट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए 2 इंच का निशान लगाया था। तो हम 2.5 इंच चौड़ी और 90 इंच लंबी एक पट्टी कट कर लेंगे नेट के कपड़े में से। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दो पट्टियाँ 45-45 इंच की कट कर ली हैं, क्योंकि पूरी 90 इंच की पट्टी नहीं कट पा रही थी। ये इनकी चौड़ाई 3 इंच है। तो अब हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से अटैच कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद प्लेट डालकर इसको तैयार करेंगे। देखिए काफ़ी पास पास और गहरी गहरी प्लेट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से प्लेट बनाते जाएंगे और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाकर ये पट्टी अटैच कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें 2.5 इंच वाली भी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों पट्टियाँ प्लेट डालकर तैयार कर ली है। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है और ये हमारी 3 इंच की पट्टी है। अब हम इनको अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो चलिए किस तरीके से करना है ये बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे। पूरे राउंड पर हमें 3-3 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इस पर जो हमने 3 इंच की पट्टी तैयार की थी वो पट्टी अटैच कर लेंगे। ये देखिए किस तरीके से करना है। पट्टी को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जो हमने ये निशान लगाया है उस पर पूरे में ये पट्टी अटैच कर देंगे। ये वाली पट्टी अटैच करने के बाद इस वाले पोर्शन में हम 2.5 इंच वाली पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, थोड़े से पोर्शन में सिलाई लगा लेंगे और फिर इस तरीके से गोलाई में इसको घुमाते हुए पूरे राउंड पर हम इसको लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों फ्रील इसमें लगा दी हैं और इन्हें लगाने के बाद मैंने इसको आगे से लॉक कर दिया। यहाँ पर नेफा भी लगा दिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये गोटा फ्लावर लिए हैं। ये देखिए ये हमें यहाँ पर लगाना है। ये जो हमारी 2.5 इंच वाली फ्रील है इसके नीचे आधा बाहर की साइड रखेंगे और आधा इसके अंदर की साइड इस तरीके से पेस्ट करेंगे। बराबर बराबर रखते हुए इनको हम पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोटा फ्लावर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये इस तरह का रिंग लिया है और एक प्लाई की ऊन को ये देखिए 4 बार फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और ऐसे डबल करने के बाद इसके बीच से इसको निकाल लेंगे और ये वाला पोर्शन इसके बीच से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। अब हमें ये ऊन इसके ऊपर लपेटनी है। ये देखिए लपेटते हुए हम इसके लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, हल्की सी ग्लू लगाएंगे और इसको यहीं पर हम पेस्ट कर देंगे। अब मैंने ये 0 नंबर का गोटा लिया है तो इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दूंगी। ये देखिए इस तरीके से लपेटते हुए हम वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल हल्की सी ग्लू लगाएंगे और इसको यहीं पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये
इस तरीके से एक रिंग बनकर तैयार हो गया है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये, तो इसी तरीके के हमें काफ़ी सारे रिंग बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर की ऊन से ये रिंग बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अपनी पोशाक पर पेस्ट करेंगे। तो देखिए कहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, ये जो 2.5 इंच वाली फ्रील है इस पर हमें पेस्ट करना है। इन रिंग को यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसमें ये हार ब्यूटी लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इनको लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हार बूटी लगाकर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसमें ये मेटल बूटी लगाएंगे, इन्हें हम यहाँ पर लगाएंगे। और एक एक मेटल बूटी इनके बीच में भी लगा लेंगे। और अब एक एक मेटल बूटी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मेटल बूटी लगाकर इसको डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से ये घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने साटन के कपड़े में से एक पट्टी कट कर ली है और इसके पीछे ये पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर दिया। ये देखिए, आप भी मेज़रमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज नंबर के अकॉर्डिंग चोली की लंबाई और चौड़ाई देख लें और ये पट्टी कट कर लें। और ये देखिए, मैंने इसके सेम साइज़ का अस्तर के कपड़े की पट्टी भी कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद एक बार ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से तिरछा कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कट करने के बाद अब हम इस साइड में नेक कट करेंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे और एक साइड से कट कर लेंगे। हल्की हल्की गोलाई दोनों साइड करेंगे। ये बॉडी की कटिंग हो गई। अब इसको हम अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे रखने के बाद यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद तीन साइड टिश्यू रिबन लगाकर इसको लॉक कर लेंगे और बांधने के लिए डोरी लगा देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद मैंने इसको तीन साइड से टिश्यू रिबन लगाकर लॉक कर दिया है और बांधने के लिए डोरी लगा दी है। इस तरह से ये बॉडी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।